माइनस वन। इसी तरह लास्ट वन इंटू वन माइनस वन इंटू थ्री और प्लस जीरो इंटू जीरो। अब होगा ये, इन्हें आपस में जोड़ देंगे, फोर प्लस जीरो प्लस वन, जीरो प्लस जीरो माइनस वन, टू प्लस जीरो प्लस जीरो, फोर प्लस टू प्लस थ्री, जीरो प्लस वन माइनस के थ्री, और ये होगा टू प्लस थ्री प्लस जीरो, टू माइनस के टू प्लस जीरो, जीरो माइनस के वन प्लस के जीरो, वन माइनस के थ्री प्लस जीरो, ये होगा फाइव माइनस वन टू, नाइन माइनस के टू फाइव, जीरो माइनस के वन माइनस के। तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर, इसको जब सोल्व किया ए इंटू ए स्क्वायर हमें चाहिए था, ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। अब हम ए स्क्वायर को, अब हमें आवश्यकता है इसकी सोल्व क्या करना है, अब हमें हमें सोल्व करना है ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई, ये हमें निकालना है। ए स्क्वायर की वैल्यू आई ये फाइव माइनस वन टू, नाइन माइनस टू फाइव, जीरो माइनस वन माइनस के टू, माइनस फाइव ए, ए की वैल्यू हमारे पास ही पहले दी हुई है टू टू वन, जीरो वन माइनस वन, वन थ्री जीरो, प्लस सिक्स आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा ये तो ए स्क्वायर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करनी पड़ेगी इन दोनों की, फाइव माइनस वन टू, नाइन माइनस टू फाइव, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस के टेन, जीरो फाइव टेन, फाइव फिफ्टीन, फाइव माइनस फाइव और ये जीरो, प्लस सिक्स जीरो 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 सिक्स जीरो 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 सिक्स। अब इन्हें जो है हम फाइव माइनस टेन प्लस सिक्स माइनस वन माइनस जीरो प्लस जीरो, टू माइनस फाइव प्लस जीरो, नाइन माइनस टेन नाइन माइनस टेन प्लस जीरो, और यहाँ से जीरो माइनस फाइव प्लस जीरो माइनस के टू माइनस का फाइव प्लस सिक्स, फाइव माइनस फिफ्टीन प्लस जीरो माइनस का वन प्लस का फाइव प्लस जीरो माइनस का टू माइनस का जीरो प्लस का सिक्स। जो जिस स्थान पर है उसकी जो जोड़ होगा या माइनस होगा वो उसी स्थान पर होगा। अब इनको कर लेंगे
11 माइनस 10 माइनस का 1 माइनस का 3 इसे भी कर लेते हैं 1 आगे यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 10 और ये आ गया माइनस का 5 4 और ये इस तरह से ये ए क्यूब भी आ सकता है। ये तो हमने ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 ए आया है, ये इस तरह से हमने सोल्व किया है। और यदि हमें इसमें ए क्यूब चाहिए, ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, जो हमारी वैल्यू आई थी ए स्क्वायर की उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम ए की, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब आया है सेफ हैंडल्स ऑफ यू एडजॉइंट ए। यदि हमें कोई आव्यूह दिया है 2, 3, 4, 1 इसके पहले तो हमें सेफ हैंडल्स निकालने पड़ेंगे। सेफ हैंडल्स निकालने के लिए हम इसका निकालते हैं A11। इसमें ये है, इसके अंदर ही छिपा है प्लस माइनस माइनस प्लस इसके अंदर, या दूसरा मेथड हम ये ले सकते हैं A11 निकालना है 1 और 1 2, जो भी सम संख्या होगी वो प्लस होगी, जो विषम होगी वो माइनस होगी। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ के जो बचा 1 A12 ये आएगा माइनस, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 A21 ये भी माइनस आएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ के 3 A22 प्लस दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये इस तरह से हमने इससे अवयव निकाल दे। अवयव A के तत्वों से निर्मित अवयव बराबर हो गया, अवयव हो गया ये ए बराबर हो गया ये 1 माइनस के 4 माइनस का 3 और 2 अवयव ए के तत्वों से निर्मित अवयव आ गया ये। अब इसका निकालना है हमें सेक हंडल एडजॉइंट ए बराबर होगा क्या बी, बी क्या होगा ए का डैश, मतलब जो ए आया है उसको परिवर्त अवयव जो पहले बताया था ट्रांसपोज करना है अवयव उसकी स्तंभों की संख्या को पंक्तियों की संख्या में चेंज करना है। ए आ गया 1 माइनस 4 माइनस 3 2 और ये आ जाएगा का ए का डैश 1 माइनस 4 माइनस 3 अब आता है इन्वर्टेबल व्युत्क्रमणीय अवयव, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय। तो इसके लिए क्या है व्युत्क्रमणीय के लिए निकालने के लिए ए इनवर्स निकालना पड़ेगा हमें। ए इनवर्स के लिए क्या है यही एडजॉइंट ए अपॉन ए का, मतलब जो हमें ए दिया है इसका हमें विस्तार
करना पड़ेगा। इसके विस्तार के लिए दो तीन टू माइनस के टेन, तो ये जो हमारा आया था इसको माइनस के वन अपॉन टेन और वन माइनस थ्री माइनस फोर टू, ये इस तरह से इनवर्स निकालते हैं। अब इसमें मेन पॉइंट आता है, ए इनवर्स जो हमें निकालना है प्रारंभिक रूपांतरण विधि से निकालना है। ए इनवर्स हमको प्रारंभिक रूपांतरण विधि से निकालना है। ए बराबर दिया है हमको प्रारंभिक रूपांतरण विधि, वो सिंपल मेथड था जो पहला किया है वो सिंपल मेथड था, और ये प्रारंभिक रूपांतरण विधि है। इसमें क्या करते हैं, a इज इक्वल टू आई ए, ए की वैल्यू क्या है वन माइनस वन टू थ्री इज इक्वल टू आई, हम जानते ही हैं वन जीरो जीरो वन, और ये a जो का क्यों। इस विधि को से ए इनवर्स निकालने के लिए, ए इनवर्स हमें निकालना है, ए इनवर्स निकालने के लिए जो भी हम यूज करेंगे या तो हम कॉलमों का यूज करेंगे या हम रो का यूज करेंगे, तो हम इसमें जो है कॉलम का यूज करेंगे और कॉलम का यूज करके हमें इसको क्या बनाना है, आई बनाना है, इसको आई बनाना है। इसमें सेम चेंज होते रहेंगे और जो फाइनल जब ये आई बन जाएगा और ये वैल्यू जो ये ए है इधर ए इनवर्स आ जाएगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी। तो हमें यहां पे जीरो चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें यहां पे जीरो चाहिए। तो जीरो के लिए हम क्या करेंगे, आर टू में हम आर टू माइनस टू आर वन करेंगे, तो दो में से दो जाके यहां पे आएगा कितना जीरो। तो पहली तो जो की तू रहेगी वन जीरो जीरो वन, टू माइनस टू आर वन जीरो, थ्री माइनस के टू और माइनस ऑटोमेटिक है फाइव, यहां पे जीरो माइनस के टू आएगा वन, ये वन ऐसे आएगा। अब हमें क्या करना है, यहां पे हमें सिंगल चाहिए, हमको वन चाहिए, हमें यहां पे वन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, R2 में R2 अपॉन 5 करना पड़ेगा हमको। तो R2 में करते हैं R1, बिल्कुल दोनों में R1 सेम लिख लेते हैं, 1 माइनस 1 1 0 और ये 0 1, 5 से डिवाइड किया इसको 5 को तो 1 आ गया, माइनस के 2 अपॉन 5 1 अपॉन 5 ये आ गया। अब हमें यहां पे क्या चाहिए, यहां पे हमें जीरो चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, यहां पे जीरो चाहिए। तो जीरो में क्या करेंगे, इसको यदि हम इसमें जोड़ दें आर टू में आर वन को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, आर वन में चेंज